बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। हाल चाल हैं आप तमाम के? और गर्मी का शिद्दत में इजाफा है। जनूबी पंजाब के इलाके हैं जो हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होती, तो देखा मैंने कल लाहौर वाली साइड में भी मौसम बहुत प्यारा था, बादल थे। डकी भाई के ब्लॉग में तो डकी भाई ने कल जो सब ब्लॉग बनाए वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अलावा भी अच्छे ब्लॉग होते हैं। और लेकिन डकी भाई आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने रूप में आते जा रहे हैं, और वो अपने पुराने जो उनका स्टाइल था उसको वो मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें अभी वो कीड़ा जो वो बाकी है अभी, तो आते आते देख लेना वो आ जाएंगे दोबारा उसी रूटीन पर अपनी वापस, मैं बता रहा हूँ। और मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि डकी भाई की तरह एक व्लॉग बनाऊँ, जिस तरह वो एक्शन करते हैं, या उनकी नकल जैसे कह लेके कॉपी उतारूँ। लेकिन डकी भाई लेजेंड हैं, और लेजेंड हमेशा एक ही होता है, जिसका वो स्टाइल होता है, जो अपना स्टाइल खुद बनाता है। लेकिन हम भी अपना इंशाल्लाह एक अपनी फैमिली बनाएंगे, और आने वाले वक्तों में अच्छे अच्छे व्लॉग और ट्रैवलिंग और सब कुछ मिलेगा आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग के चैनल में। तो जी टाइम हो गया दिन के 12 बजे का, और हम अभी सो के फ्रेश हो के नहा धो के वीडियो बनाने लगे हैं, और अब टाइम हो गया दोपहर के खाने का। तो मम्मी में एक कप चाय, हाय हाय खाली हम लोग रख सकते हैं। तो शॉप पर जा रहे हैं, टाइम है 1 बजे का, और मुँह ने लपेट लिया। और आज मोटर बाइक नहीं है हमारे पास, अब काम होता है तो वो ले जाते हैं फिर। और आज हम रिश्ते पे जाएंगे, करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। गर्मी है, गर्मी में पैदल नहीं चला जाता, नहीं तो बना पैदल भी चला जाता। तो देखते हैं यहाँ से रिश्का पकड़ते हैं, चलते हैं शॉप पर। यार काफ़ी दिन हो गए हैं दुकान की सफाई नहीं की, तो पूरी दुकान की सफाई करते हैं एक एक चीज़ की, ताकि जो मिट्टी वगैरह वो साफ़ हो अच्छी तरीके से, क्योंकि बाहर रोड है और रोड चलता रहता है 24 घंटे, इस वजह से मिट्टी रोड के अंदर आती है। तो पानी का कनेक्शन करवाया था, लेकिन वो टूटी मिट्टी ख़राब, वहाँ से पानी नहीं आता था। तो जिस तरह भी भाई आते हैं, लेकिन सफाई तो करना ज़रूरी है। सफाई करें, लेकिन बिजली आ रही है और जा रही है, आधा घंटा हो चली है और 15 मिनट ही आई है बस, उसके बाद फिर चली गई है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त पाकिस्तान के, जो हालात है वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, दिन भर ही महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं।
सारी सफाई कर दिया, एक एक पैक की सफाई की, एक कह लें कि आप ये जो पैक पड़ा हुआ दवाई का, इसकी सफाई की अच्छी तरीके से, और एक एक रैक की, और एक हिस्सा रह गया वो वाला सिर्फ, बाकी ये सारा हो गया, सारी दुकान तकरीबन हो गई सफाई। और अब चल हालत देख सकते हैं कपड़ों की, सारी के मिट्टी से भर के उनको झाड़ते हैं, और कुछ भी करके नमाज़ पढ़ के आते हैं असर की। असर की नमाज़ का टाइम हो गया, चलते हैं। जी तो असर की नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं, और जो आगे तरपाल वगैरह की दुकान जो होकर लोग कर दिया, और काम करते शुरू, सेटिंग वेटिंग कर दिया, थोड़ी सी कह लेंगे शुगर जो होगी आमदनी और प्यास की वजह से वो हालत थोड़ी सी टाइट हो गई थी, पानी शानी पिया, गर्म ब्रश सही हो। तो लाइट गई हुई है और हम आके बैठे हुए बाहर, काफ़ी गर्मी है लेकिन आवाज़ चल रही है। सुनने में ये आया कि आज रात पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, देखिए क्या बनता है। गर्मी है क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और जिसम में जिस तरह थकावट सी महसूस हो रही थी, तो उसी लिए हम ये अब पी रहे हैं स्ट्रिंग की बोतल, ताकि इससे थोड़ी सी एनर्जी आएगी, क्योंकि यह एनर्जी ड्रिंक है, और उसको पीने के बाद थोड़ी सी जिसम में कहने के थकावट दूर होगी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे व्लॉग का दूसरा दिन है, और ये बच्चे खड़े हुए थे, ये जिद कर रहे थे कि इन्होंने अनार खाने हैं, तो इनको अनार तोड़ के दिए, और कुछ अपने लिए तोड़े और अब्दुल्ला के लिए तोड़े, तो अब्दुल्ला को भेजेंगे, क्योंकि अनार ये बच्चों ने सारे आगे बड़े नहीं हुए, कुछ गुलारियाँ खा गई हैं और कुछ लगे हुए अभी थोड़े बहुत, तो पक चुके हैं लेकिन वो उस तरह नहीं पके जिस तरह पकने चाहिए बड़े बड़े, तो छोटे लेकिन हैं। हम भी कुछ तोड़ लेते हैं। ये जी तो घर वाले तमाम चले गए, पोतकी होगी वहाँ पर, और घर पानी ख़त्म है, तो जाके पानी ले कहते हैं, और बाबा जी की तबीयत भी आज ख़राब थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, क्योंकि बाबा जी अकेले होते हैं, तो उनको जो उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई बंदा होना चाहिए देखने के लिए उनको, तो इसी वजह से मैं हर दफ़ा कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि घर वाले तमाम लोग चले जाते हैं, तो फिर मुझे बाबा जी के साथ रहना पड़ता है, तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, लेकिन बहुत करीबी रिश्ते में तो मेरी दादी माँ ही लगती थी, और हिंदुस्तान की, और अब बुढ़ापे में जब चली गई थी, तो अब तमाम उनकी मफ़रत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह दे, और अल्लाह पाक उन पर करोड़ों बरकतें व रहमतें नाज़िल फरमाए, और उनकी कब्र को हमेशा जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बनाए। पानी लिए हैं जाकर फिल्टर से, और फिल्टर की हो रही थी सफाई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि लेट अभी, तो पानी लिए जाके हम पानी का गाड़ी में चला गया, गया हम काफ़ी अंदर। मुर्गी यहाँ पे फिर रही अकेली, इसको बुला रहा हूँ मैं कि अंदर आ जा और अंडा दे दे, और यहाँ नहीं अंदर आना चाहती है। मुर्गा यहाँ के जो फथा बच्चों ने मार दिया वो, और बच्चे बहुत शरारती हैं यहाँ के। लाइट चली गई और पानी ठंडा करना था, पानी के अंदर बर्फ मिला दी हमने, और यहाँ पर पानी जो पानी के कोले थे और वाले कोले थे उनको पानी से भर के फ्रिज के अंदर रख दिए ताकि दोबारा बर्फ़ जम जाए, और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग भी ठंडी हो रही है, और आज बाबे को भी स्ट्रिंग पिलाई है थोड़ी सी। से कुछ दिन पहले, तकरीबन 8 दिन पहले, 1 जून को मैंने अमेज़ोन के लिए सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई किया, और अमेज़ोन ने मुझे एक टाइम दिया कि आपको 8 दिनों के बाद आपकी की मिलेगी अकाउंट की, वो आपने लगानी है, उससे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ोन ने मेरा सेलर अकाउंट अप्रूवल कर दिया, और आज मेरे पास ये की आ गई है अमेज़ोन की तरफ से, और ये की मैं अब अपने स्टोर पर लगाऊँगा जो है उस पर लगाऊँगा, और इससे कहने के जो भी वेरिफिकेशन मेरे एड्रेस की हो जाएगी कि अमेज़ोन ने मुझे सही बंदे के पास अपना जो लेटर है वो पहुँच गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो दुआ कीजिए कि मेरा ये सेलर अकाउंट कामयाब हो और मैं इससे
अर्निंग कर सकूँ। जो से शोर आ रहा है उसके लिए माजरत खाऊँ मैं, क्योंकि जिन्हें से चल रहा है लाइट चली गई है, और अब चलते हैं कि अपने लिए खाना लेने। चाय तैयार कर ली है पीने के लिए, और VIP दूध पत्ती बनाई है मैंने, तब इसे पियेंगे। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का व्लॉग और कल का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मसरूफियात से भरे हुए दिन रहे हैं, कल शॉप पर काम करते रहे, आज घर में एमरजेंसी हो जिसकी वजह से सारे घर वाले चले गए और मैं बाबा जी का ख्याल रखने के लिए रह गया। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर ऑफिस में मसरूफ से दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कोई पैसे नहीं लगते, और वीडियो को बीच में मत छोड़ें, पूरी देखें, क्योंकि इस तरह चैनल पे बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर आप आधी वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो इस तरह मुझे नुकसान होगा। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिए करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।